खरगोन जिले के सरकारी अस्पताल के सफाई कर्मी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की तैयारी में दिख रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 17 जनवरी को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का मन बनाकर विभाग को समस्या से अवगत कराया। हम आपको बता दें कि सफाई कर्मी अपनी मूलभूत मांगों से शासन प्रशासन को पूर्व में भी अवगत करा चुके हैं। ऐसे में मांग पूरी नहीं होने की बात पर सांकेतिक हड़ताल करके मांग पूरी करवाने की जद्दोजहद करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि सफाई कर्मियों की इन मांगों के प्रति अगर शासन प्रशासन का रवैया शिथिल रहा तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करके काम बंद करेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जिला हॉस्पिटल खरगोन में हम सफाई कर्मचारी जो कि 62 है, जो कि ठेका पद्धति पर कामदिन सिक्योरिटी के द्वारा कार्यरत है, हमें यह आश्वासन दिया जाता है ना तो हमको कलेक्टर रेट द्वारा सैलरी दी जा रही है और जो पीए अपनी जो सैलरी में से पीएफ राशि कट उसकी ना कोई रसीद मिली है अभी तक और न पीएफ राशि दे रहे हैं। ठेकेदार आता है क्या? ठेकेदार कभी आया? ठेकेदार द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है सोमवार आ रहा हूँ, मंगलवार आ रहा हूँ, मतलब 2 महीने से यही चला जा रहा है। अब क्या करने जा रहा है आप? अब ये एक दिन का अवकाश रखा है हमने सभी कर्मचारियों का कि ठेकेदार हमारे संपर्क में नहीं आते, हमने 17 तारीख को ही एक दिन का अवकाश रखा है और अगर इतने पे भी नहीं होता है कुछ तो हम हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? जब मेरा नाम उजैबा खान है, जबकि हमने कोरोना महामारी में हमारी औरत और बच्चों की परवाह न करते हुए कार्य किया, इसलिए हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए। क्या मांग करी आपने? हमारी तनख्वाह की मांग है जो कि कलेक्टर रेट द्वारा दी जाए और दूसरी जो सैलरी में से हमारे पीएफ राशि कट रही वो प्रदान की जाए और हमारे 3 कर्मचारियों को जो कि सूचित करके गए थे उनको कार्य पर अवगत कराया जाए, जिन्हें बंद कर दिया है उनको कार्य पर वापसी दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।